गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम ट्वेल्थ में पढ़ रहे थे साक्षात्कार लेने की कला। हमने साक्षात्कार का अर्थ पढ़ा, साक्षात्कार के प्रकार पढ़े, साक्षात् एक अच्छे साक्षात्कार में क्या गुण होने चाहिए ये हमने पढ़ा, और आज हम पढ़ेंगे कि साक्षात्कार लेने की तैयारी किस तरह करनी चाहिए। बच्चों, प्रारंभ में साक्षात्कारदाता को पत्र द्वारा प्रश्न भेजकर साक्षात्कार लिया जाता था। पहले साक्षात्कारदाता को पत्र भेजा जाता था, उसमें प्रश्न होते थे, वो उसके उत्तर देता था। परंतु अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का तीव्र विकास होने से ईमेल या सोशल साइट्स के द्वारा यह कार्य किया जाता है। इसके लिए संबंधित व्यक्ति से दिन समय स्थान तय किया जाता है, उससे समय लिया जाता है। ये नहीं आप पहुंच गए, आप किसी मंत्री का, आप किसी नेता का या किसी का भी इंटरव्यू ले रहे हो, पहुंच गए डायरेक्ट और वो बेचारा बैठा आराम से, कोई तैयारी नहीं, ऐसे नहीं होता। साथ साथ सभी सूचनाओं का अध्ययन का संकलन किया जाता है, प्रश्नवाली तैयार की जाती है। इसके लिए ज़रूरी उपकरण जैसे कैमरा, टैप रिकॉर्डर, स्मार्टफोन आदि की व्यवस्था करनी होती है। लास्ट क्वेश्चन बेटा, वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कैसे साक्षात्कार सामने आ रहे हैं? वर्तमान में रेडियो या टीवी पर साक्षात्कार के विभिन्न रूप सामने आ रहे हैं। अब एक रिपोर्टर कई लोगों के समूह में साक्षात्कार हेतु प्रश्न पूछता है, साथ में बैठे दर्शक अपने सवाल पूछते हैं। यानी आप देखते हो कि एक तरह से जो है एक ऑफिस टाइप में या एक मंच टाइप में तैयार किया जाता है, जिसमें 15-20 जो है दर्शक होते हैं, और स्टेज पर जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है उसको भी बिठाया जाता है, और उसके साथ साथ दर्शक भी सवाल पूछ रहे हैं उससे। संवाददाता से कई पत्रकार एक साथ सवाल पूछते हैं तथा उनकी लाइव प्रतिक्रियाएं दिखाई जाती हैं। टीवी के मंच पर सामाजिक घटनाओं को लेकर विचारात्मक साक्षात्कार होते हैं, जिनमें अनेक लोग तीखी बहस में सम्मिलित हो जाते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साक्षात्कार भी लिए जाते हैं। तो बच्चों, इनको ध्यानपूर्वक पढ़ो। साक्षात्कार जीवन में एक हमारा अंग है। हमको जो है साक्षात्कार से व्यक्ति संवाद करना सीखता है, व्यक्ति बोलना सीखता है, सामने वाले से प्रश्न करना सीखता है। जैसे अपन क्लास में हमारी हिम्मत नहीं होती प्रश्न पूछने की, तो उसी प्रकार साक्षात्कार होता है। उसके लिए हमको पूरी तैयारी करनी चाहिए, ध्यान देना चाहिए। आज आपका ये टॉपिक समाप्त हो गया है, इनको ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। धन्यवाद।